अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी एंड यू आर वाचिंग स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। वी हैड विटनेस सम एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट इन दिस टूर्नामेंट सो फार। इन द मॉर्निंग वेस्ट इंडीज़ वन द मैच बाय 9 विकेट्स अगेंस्ट USA एंड टुडे इंडिया इज गोइंग टू फेस बांग्लादेश। वे स्ट्रगलिंग बांग्लादेश विल फाइट फॉर देयर सर्वाइवल इन दिस T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट बुमराह एंड को। एंड बिसाइड्स दैट देयर अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी एंड ड्रामा इन पाकिस्तान क्रिकेट। अब फॉर्मर क्रिकेटर्स के बाद करंट प्लेयर्स भी कह रहे हैं कि हमारे सीनियर्स को कुछ रेस्ट कर लेना चाहिए। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग इन टुडेज शो। एंड टू स्टार्ट आवर डिस्कशन वी ऑल्सो डू हैव अ पैनल इन आवर स्टूडियोज टुडे। आई एम जॉइन बाय क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड असगर, कैसे देख रहे हैं आप आज सुबह होने वाले मैच को, वेस्ट इंडीज वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने हमें बड़ा ही सरप्राइज किया था अमेरिका में, लेकिन वेस्ट इंडीज में आते ही उनकी परफॉर्मेंस का निखार कहीं गुम हो गया है। देखिए, अमेरिका का जो अंजाम होना था वो उसी अंजाम की तरफ है। अमेरिका जो है नौमौलू टीम थी, उसने सही है पहले राउंड में बड़ा जान मारा और उसने पाकिस्तान को हराया, या पाकिस्तान उनसे हार गया, तो दोनों चीज़ें बहस तलब हैं। लेकिन जो उस टीम की स्ट्रेंथ थी वो इतनी ही थी, और वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरीके से कमबैक किया है इस इवेंट में, और वेस्ट इंडीज़ की एंट्री भी उसकी मेज़बानी की वजह से है, वो यकीनन उसकी ये कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से फ़ाइनल फोर या फाइनल टू में अपनी जगह बनाए। और आज जो मैच हुआ उसमें 9 विकेटों से जीतना और 11वें ओवर में जो है 124 से 128 रन थे जिसको उन्होंने कवर किया, तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अब मुकम्मल रिदम में है। इस फॉर्म और फिटनेस परफॉर्मेंस को अगर ये बरकरार रखते हैं तो फिर यकीनी तौर पर इनका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। हाँ, अमरीका का सफ़र ख़त्म हुआ और बस पाकिस्तानी अब खुश हो जाएं कि उनको इवेंट से बाहर करने वाले अमरीका का सफर, अपना सफर जो है वो भी वर्ल्ड कप में तकरीबन खत्म। अच्छा, वेस्ट इंडीज फैंस के लिए एक बुरी खबर है, वो ये है कि ब्रेंडन किंग अब साइड स्ट्रेन की वजह से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह काइल माइकर्स हैं जिनको शामिल किया गया है, तो क्या ये एक धचका है वेस्ट इंडीज के लिए, बिकॉज अभी 2 मैचेस उन्होंने और खेलने हैं? देखिए, बिल्कुल धचका कह लें या बस यूं कह लें कि क्रिकेट में ऐसा होता है, लेकिन एक रेगुलर प्लेयर का अनफिट होकर बाहर होना वो किसी भी टीम के लिए फौरी तौर पर काबिल कबूल नहीं होता। कोशिश यही थी कल तक जो मेरी इत्तला थी कि वो डॉक्टर जायज़ा ले रहे हैं और मे बी कि उनको कुछ रेस्ट करा के उनको इन कर दिया जाएगा, लेकिन जब कम्प्लीटली रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें डॉक्टर्स ने उन्हें जो है बिल्कुल ही इवेंट से बाहर कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के लिए लॉस तो है। ठीक है, और इस ग्रुप में आप क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है या फिर वेस्ट इंडीज़, क्योंकि कल इंग्लैंड भी डिफेंड नहीं कर पाया है, लाइक उन्हें 25 रन चाहिए थे, 18 बॉल्स थी और जॉस बटलर हक्का बक्का रह गए थे, ये हुआ क्या है? देखिए, बड़ा ही अजीबोगरीब कल रिजल्ट आया, और या फिर यूँ कह लें कि क्रिकेट में तो ऐसे ही होता है। 16 ओवर तक मैच इनके हाथ में था और ये बड़े आराम से इंग्लैंड जो है वो अंडर प्रेशर हुआ हुआ था, और वेस्ट इंडीज़ अपना साउथ अफ्रीका जो है बड़े आराम से जो है वो मैच में इन था। लेकिन 17वें ओवर में जो 21 रन बने और जो फुल टॉस 5 बॉलें फुल टॉस कराई, तो उसके बाद उसका भरपूर फ़ायदा उठाया इंग्लैंड बीटर्स ने और मैच में वो दोबारा इन हुए। 18वां ओवर भी तकरीबन सही गया, लेकिन 19वें ओवर में अगर वो स्कोर करते तो आखिरी के 14 रन जो आखिरी ओवर में चाहिए थे तो वो वहाँ सेफ होते, लेकिन बदकिस्मती थी इंग्लैंड की कि ना सिर्फ वो स्कोर नहीं कर सके बल्कि उनकी विकटें भी गिरने लगीं, तो जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका मुकम्मल तौर पर इन हुआ और उसने इंग्लैंड को शिकस्त दी। तो थोड़ा सा इंग्लैंड को अपने मिडिल ऑर्डर और टेल ऑर्डर में ये देखना होगा कि इस्तेकाम कैसे लाएं, आगे जाने के उनके पास मौका है अभी, लेकिन वो इस्तेकाम कैसे लाएं, मैच को फिनिश कैसे करें। अगर उनके फिनिशर अच्छे होते तो मैं समझता हूँ कि कल साउथ अफ्रीका को शिकस्त वाजे तौर पर नजर आ गई थी, क्योंकि 17वें ओवर के बाद मैच उनके हाथ से निकल गया था। इंग्लैंड स्टिल हैज द एज क्योंकि उन्हें सामना करना है USA का, कंपैरेटिवली एक वीक टीम है, लेकिन अगर हम दूसरा मैच देखें तो वेस्ट इंडीज को सामना करना होगा साउथ अफ्रीका का, जो अभी बड़े रिदम में नजर आ रहे हैं हमें। देखिए, अब वर्ल्ड कप का हुसन तो शुरू हुआ है ना, और पॉइंट्स टेबल पे अब जो है सही मानों में हम ये देख रहे हैं कि आपस में रस्साकशी या यूं कहें कि मुकाबले का रुझान सामने आया है। वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका हम पल्ला टीम है
और जो परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ की चल रही है, फिर साउथ अफ्रीका ने भी अपने मैचेस जीते हैं, तो इसके बाद ये ज़रूरी हो गया है कि इंग्लैंड को अपने आप को कमबैक करना है इस पूल में, ताकि वो जो है आगे जा सके, चूँकि वो दिफाई चैंपियन भी है और जो फाइनल जो फर्स्ट राउंड था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी नहीं थी, जाते गिरते गिरते वो संभले और संभलने के बाद उन्होंने फाइनल एट के लिए क्वालिफाई किया था, तो कमबैक तो वो करेंगे, लेकिन इस कमबैक में मुझे मोइन अली पूरे इवेंट में कहीं नज़र नहीं आए कि आखिर मोइन अली को हो क्या गया है और वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे उनसे। लेकिन असल आदिल राशिद ने तो उनकी कमी पूरी कर दी है। मैं वही कह रहा हूँ कि उनसे बेहतर तो आदिल राशिद जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो पूरे इंग्लैंड को, जबकि आपको याद होगा कि मोइन अली का नाम कैप्टनसी के लिए भी आ रहा था कि हो सकता है कि इन्हें इस वर्ल्ड कप में कैप्टन बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उन पर भी मेहनत करना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी जो है वो विराट कोहली की तरह आराम ही कर रहे हैं और वर्ल्ड कप तक आराम ही करते रहे एंड तक। ठीक है, इंग्लैंड दिफाई चैंपियन भी हैं और अभी हमने देखा है कि शानदार उन्होंने कमबैक किया है, लेकिन इस मैच में थोड़ा लड़खड़ा गए हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं कि इंग्लैंड कमबैक कर पाता है, वो भी टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं। और बाबर आजम से मुतालिक भी हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बाबर के चर्चे सोशल मीडिया से उठ के अब पार्लियामेंट हाउस तक जा पहुँचे हैं। किसने क्या कुछ कहा है, विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024। और जैसा कि आपको पता ही है कि बाबर आजम इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है, क्या फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, क्या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो, या फिर क्या ही फैंस हो, सब ही बाबर आजम की कैप्टेंसी पर, उनके बैटिंग स्टाइल पर तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर हम डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स एंकर अली सलमान। अली, वेलकम टू द शो, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मेरा आपसे सवाल है बाबर से मुतालिक, क्योंकि अब शुएब अख्तर भी बोल पड़े हैं और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल, अगर वो प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर सकते और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जगह ना सिर्फ T20 में बनती नहीं है बल्कि ODI में भी वो नजर नहीं आ रहे हैं उनको। थैंक यू सो मच नज़ारा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो और आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। शुएब अख्तर को कप्तान नजर कौन आता है पाकिस्तान में, पहले तो मेरा ये सवाल है, क्योंकि जब सरफराज कप्तान था जब भी कहते थे कि ये बफर जोन नहीं है, बफर जोन की कप्तानी छोड़कर आओ, तगड़े होकर आओ, तो शुएब अख्तर को तो वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन किसे बनाऊं, ये जो गाना है शुएब अख्तर पे पूरा फिट आता है, उनको कोई कप्तानी पाकिस्तान में नजर नहीं आता। लेकिन अली सलमान, शुएब अख्तर में जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट थी ना, वो हमारे बॉलर्स में मिसिंग है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए, शुएब अख्तर जैसे प्लेयर और वसीम अकरम जैसे प्लेयर ये सदियों में पैदा होते हैं, ये पाकिस्तान का प्राइड है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इनकी हर बात जो है वो दुरुस्त है, ये हर बात पे इनको आमना सदकना कह देना चाहिए। वो क्रिकेटर थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जितना की वो बातें करते हैं उससे बहुत ज्यादा लोगों के खिलाफ भी पैदा होते हैं। पहले वो सरफराज अहमद के पीछे पड़े रहे कि बफर जोन की कप्तानी छोड़ के आ रहा हो, पाकिस्तानी कप्तान बनो, तगड़े होकर आओ, अब वो बाबर आजम शुएब अख्तर कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कंट्रोवर्सी सिर्फ शुएब अख्तर ही नहीं पैदा करते, अभी मोहम्मद हफीज कंट्रोवर्सी नहीं पैदा कर रहे, जो आगे पॉडकास्ट के अंदर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर फैला रहे हैं। आपने कभी सुना कि रवि शास्त्री ने अपने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर की हो? आपने कभी सुना अनिल कुंबले ने टीम को छोड़ा उसने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर की हो? अभी राहुल द्रविड़ छोड़ेगा, कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो अपने ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर करे? तो ये पाकिस्तानी प्लेयर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुंह खोलते हैं, ये आंखें नहीं खोलते। ये मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुंह खोलने से पहले अपनी आंखें भी खोलनी चाहिए, क्या कहना है, किससे कहना है और किस वक्त कहना है, ये पाकिस्तानी प्लेयर सोचते नहीं है। दूसरी जाने बाबर आजम की T20 में जगह नहीं बनती, बाबर आजम T20 का कप्तान नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो ये क्रिकेट जरूर खेले, लेकिन इनसे ज्यादा क्रिकेट समझ तो शायद मुझे और असगर अजीम को होगी, क्योंकि हम ये बातें पहले से कर रहे हैं कि इसकी T20 में। अली भाई, लेकिन वसीम अकरम भी तो ये शिकवा ये गिला करते नजर आए ना कि हमसे तो कोई मशवरा मांगता ही नहीं है, हमें तो किसी के खाते में रखा ही नहीं जाता। इनसे मशवरा मांग के क्या करेंगे जब ये पावर में थे, अथॉरिटी में थे, जब इन्होंने क्या किया, 10 में से 9 मैच हारे कराची किंग इनकी प्रेसिडेंटशिप में, तो उस वक्त अथॉरिटी में थे ना, जिसको चाहते ऊपर करते, जिसको चाहते वो नीचे करते, इन्होंने शर्जील खान का नंबर नीचे करवा दिया, सरदार फरहान का नंबर नीचे करा दिया, लेकिन बाबर आजम तो अपनी जगह पे साकिर और जामिद रहे, तो जहां इनकी अथॉरिटी थी वहां इन्होंने कुछ नहीं किया, तब ये मशवरा देके क्या करेंगे, इसको उर्दू में कहते हैं दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। ठीक है असगर, आप क्या कहिएगा, क्या बाबर को आप T20 में या फिर ODI में नजर आ रहे हैं, वो आपको जैसा कि शुएब अख्तर ने कैप्टेंसी पे सवाल उठा दिया है उनकी? देखिए, शुएब अख्तर की बात अली सलमान कर रहे थे और बिल्कुल सही कर रहे थे कि वो कंट्रोवर्सी पैदा करने की मशीन है,
उन्होंने असद शफीक के कैरियर को भी तबाह उन्होंने ही किया और उन्होंने ही उनके खिलाफ ऐसे रिमार्क्स दिए जो मैं रिपीट करना नहीं चाहता, और सरफराज के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स दिए थे वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन शुएब अख्तर ख़ुद अपने लिए क्या रिमार्क्स जो है मुंतखब करेंगे जब वो नेशनल बैंक के ग्राउंड में अपने फिटनेस के लिए आए थे, तो उस वक्त उनकी अपनी क्या हालत थी, हम उसके आई विटनेस हैं, वो कितने गुस्से में थे, कितने ज़्यादा उनको बुरा हाल था, और जब हमसे बात करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, जस्ट लाइक मैं मतलब वो अल्फाज क्या बोलूँ कि शुएब अख्तर उस वक्त क्या लग रहे थे, वो समझ लें कि अखाड़े में पहलवान नहीं होता, तो उस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो एक पहलवान बने हुए थे, कोई क्रिकेटर नहीं लग रहे थे। तो शुएब अख्तर साहब मामला सबके साथ होते हैं और जो बातें सारी दुनिया कर रही है आप वो करके जो है ना कोई अपना वजन नहीं बढ़ा रहे। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है T20 में बिल्कुल सूट नहीं करते, अगर किसी तरीके से आप वनडे में सूट कराते भी तो करा लें, और अगर ये बात भी हमने पहले भी कही हुई है कि अगर बाबर आजम कैप्टन नहीं होंगे तो फिर वो किसी फॉर्मेट में शायद नज़र भी ना आए, ना वनडे में और ना ही T20 में। हाँ, टेस्ट में वो नज़र आ सकते हैं और मैं तो समझता हूँ कि उनको टेस्ट की कैप्टनसी दे के उन्हें जो है टेस्ट टीम तक महदूद कर दिया जाए और जो है ना आगे के लिए फ्यूचर के लिए नई प्लानिंग की जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आज जो बातें की जा रही हैं, देखें मैं अली सलमान और आप इस बात से गवाह हैं कि जब ये बात सामने आई कि बाबर आजम ने मैच फिक्स किया तो हमने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ऐसा लगता नहीं है कि इस मैच को वो फिक्स कर सके। लेकिन कुछ लोगों ने यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा किया और उसको कहा, और फिर चैनलों पे बैठ के भी कुछ लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया और कहा कि जनाब बाबर आजम ने मैच फिक्स किया है। तो देखें बात यह है कि चीज़ों को पूरी तरीके से समझना चाहिए। बाबर आजम ने अगर मैच फिक्स किया होता तो उसके सबूत भी होने चाहिए, इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। बाबर आजम अब लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोगों को लीगल एक्शन देंगे, लेकिन बाबर इस काम करने से पहले कोई गलती ना कर लेना, चूँकि लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट भी होगा इसी के अगेंस्ट, क्योंकि ये तो सही है कि सबूत कोई नहीं है, लेकिन बाबर आपको ये तो जवाब देना पड़ेगा ना कि आपके भाई का कारोबार क्या है, आपके भाई जो इतनी कीमती गाड़ी जो है वो कैसे गिफ्ट कर सकते हैं, उनका जरिया माश क्या है, क्या उस पर टैक्स दिया गया नहीं दिया गया, क्या वो रजिस्टर्ड है नहीं है, क्या वो उसके रिटर्न उसका स्टेटस क्या है। तो बाबर अगर तुमने ये गलती कर ली तो समझ जाओ कि तुम्हारे खिलाफ FBR वो तुम्हारा जो है हाथ उठाएगा और उस तरीके से तहकीकात शुरू कर देगा कि तुम्हारे साथ साथ वो तमाम क्रिकेटर जो लीग खेलते हैं और पैसा डम करते हैं छुपाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार इंज़मामुल हक ने भी ये जिक्र किया था कि यार मुझे कोई काम बताओ मैं क्या करूँ, मेरे घर में बोरियों में जो है पैसे पड़े हुए हैं। तो ये आवाज़ जहन में रखना कि वो पैसे जो आप लोगों ने डिक्लेयर नहीं किए हैं, आप केस करें, हम भी ये चाहते हैं आप केस कर दें, लेकिन ये सोच लेना कि मेरे भाई हाथ कंगन को RC क्या। तो असगर आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि अगर बाबर ने लीगल एक्शन लिया तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार देंगे। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने YouTube पे उन पर इल्ज़ाम लगाया ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि बाबर आजम ने मैच फिक्स किया, उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम को कीमती गाड़ी तोहफे में दी गई, वो तो और बाद में कहा गया कि जो मेरे भाई ने दी, जब भाई ने दी है तो भाई का जरिया माश भी तो होगा ना। अब भाई डकैती करके तो लाया नहीं, भाई ने स्ट्रीट क्राइम तो किया नहीं, गाड़ी जो छीन के तो लाया नहीं किसी से, उसने खरीद के ही आपको गिफ्ट किया है, तो गिफ्ट किया है तो फिर उसका जरिया माश बताएं, उसको टैक्स रिटर्न बताएं, उसकी रजिस्ट्रेशन बताएं, सारी चीजें बताएं अपने भाई की, तभी आप आगे चल सकेंगे, वरना हम समझेंगे साया ने साया कर दिया। अच्छा अली सलमान, आपका इस पर क्या स्टांस है, क्योंकि सलमान बट तो बाबर की फेवर में आ गए हैं इस बात पर, वो कह रही है ये जो ऑडी वॉडी की बातें हो रही है ना, ये बाबर का पसीना भी नहीं है। देखिए मैंने सुना है सलमान बट का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि वो एक अपीयरेंस के इतने डॉलर ले लेता है, इतने हजारों डॉलर ले लेता है, वो सुबह शाम ऐसी 3 ऑडीज ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऑडी या ये कोई गाड़ी या इस तरह के दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में जो बैंगलोर है जो जो प्रॉपर्टी है क्या ये बाबर आजम ने लिए, सवाल ये है। सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि बाबर आजम के भाई ने उनको गिफ्ट किया, तो बाबर आजम का जो जरिया माश है वो तो सब बता रहे हैं और कुछ लोग जोर जोर से बोल बोल के बता रहे हैं और कुछ लोग जो है वो यूट्यूब पे बता रहे हैं, तो वो तो सब बता रहे हैं, तो ये नहीं बता रहा कि बाबर आजम के भाई जितने भी बड़े यूट्यूबर हों, जितने भी बड़े जो है वो टिकटॉकर हों, ये ऐसा कौन सा टिकटॉक का बिजनेस है, ऐसा कौन सा यूट्यूब का बिजनेस है कि आपके अपनी जेब में पैसा होगा तभी तो आप दूसरों को 5-6 करोड़ की गाड़ी देंगे। पहले तो आदमी अपने लिए कोई चीज लेता है, उसके बाद जब उसका पेट भर जाता है जब वो दूसरे को देता है, चाहे वो सगा भाई हो चाहे वो कोई और रिश्तेदार हो, तो पहले तो ये देखना चाहिए कि बाबर आजम के अपने भाई के पास कौन सी गाड़ी है। अगर उनके पास इस स्टैंडर्ड की गाड़ी है कि वो बाबर आजम को जो इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट कर सकते हैं तो फिर तो चलो सही है, और बात यह है कि बाबर आजम हो उनके लेकिन अली आपको नहीं लगता इट्स अ बिट टू अर्ली टू जज और पहले एविडेंस का वेट कर लेना चाहिए।
जरा एक सेकंड जरा मैं बात कंप्लीट कर लूं कि हम सब पाकिस्तानी शहरी हैं और हम सबको जहां भी हमारे जराए आमदनी होते हैं वहां डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो अगर बाबा राजू के भाई से मनी ट्रेल मांगी जा रही है, पॉलिटिशियन से मांगी जाती है, तो इसमें क्या कबाहत है? तो कुछ लोग जो है वो बाबा राजू को सपोर्ट करते करते वो मनी ट्रेल देने पर भी आमादा नहीं है। जी देखिए अली, सपोर्ट तो वही कर रहे हैं ना जिनका अपना करेक्टर लूज है, वो तो सपोर्ट करने दे, उनको तो मसला नहीं है। कुछ लोग व्यूज के लिए भी कर रहे हैं, अगर कुछ लोग ऐसे खामोखा बने हुए अली, देखिए आप उनकी पुरानी पाकिस्तान की आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें असगर, उनकी पुरानी वीडियोस देखें तो वो जब दूसरे चैनलों पे बैठते थे तो वो बाबर आजम को जो है वो उड़ाते थे। मैं एग्री करता हूँ अली, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख देखें तो क्या आपको नहीं मालूम कि इंजमाम के भाई का नाम किन चक्रों में आता था? आपको नहीं मालूम वसीम अकरम के वालिद जो हैं वो किडनैप हुए थे लाहौर से और किस चक्कर में हुए थे? आपको नहीं मालूम कि दीगर जो प्लेयर्स हैं वो माजी में क्या करते रहे हैं, मस्जिदों में बैठ के कौन से अहद करते रहे हैं? कि बॉब विनवर का जो मर्डर है या उसका जो खुदकुशी है, क्या वो सिर्फ एक हादसा है? उसकी तहकीकात को क्यों रोकी गई? उसके तमाम पहलुओं पर क्यों नहीं बात की गई? क्या आलमी मीडिया ने इस पर बात नहीं उठाई? तो बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये सारी चीजें जो शॉर्टकट रस्ते हैं वो होते रहे हैं, लेकिन आज अगर ये बात आप कह रहे हैं कि मनी ट्रेल दो, तो बिल्कुल दुरुस्त है, हर एक की मनी ट्रेल होनी चाहिए और वो देनी चाहिए। बाद में होता क्या है? बाद में ये होता है मैं अस्पताल बना रहा हूं, मैं स्कूल बना रहा हूं, उस पैसे को अवॉइड कर रहा हूं। और भाई ये चीजें खत्म करें, जो करना है उसको मनी ट्रेल देकर और फिर वाइट तरीके से करें। बिल्कुल यही सवाल उठता है। देखिए बाबा राजन के भाई पे कोई नहीं कह रहा उनको कितनी महंगी गाड़ी क्यों दी, सिर्फ सवाल ये उठ रहा है कि भाई उनका जरिया आमदनी, जरिया माश उनका क्या है कि जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हैं? बस अगर वो ये बात साबित कर देते हैं, तरफ असगर भी बात कर रहे हैं कि जो है वो जब वो कोर्ट में जाएंगे तो 10 चीजें जो है और मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगी, तो ये बड़ा एक लंबा पेंडोरा बॉक्स है जो खुलने के लिए जा रहा है। ठीक है, और बाबर आजम पर तनकीद का सिलसिला अली अब सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि अब ये पार्लियामेंट हाउस तक भी जा पहुंचा है। और पीपी के एक स्पोक पर्सन है बेसिकली अब्दुल कादिर पटेल साहब, वो कह रहे हैं, उन्होंने मशवरा दिया है बाबर को कि बाबर को ऐसा करना चाहिए कि वो एक खत लहरा दें, बाद में बोल दें वो खत गुम हो गया। जी हाँ, मैंने सुना है वो क्लिप, वो मैंने देखा है कि जो अब्दुल कादिर पटेल साहब ने इस तरह से कहा है, लेकिन उन्होंने अजरा तफन्नुन कहा है क्योंकि उनको खत लहराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि उनके दूसरे कबूतर मैदान में उतरे हुए जो उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो जिसके पास कबूतर है तो उसको फिर खत वत लहराने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन मुश्किल होगा मेरे ख्याल में कि बाबर आजम जो है वो जो है कोर्ट में इस तरह जाएंगे और इस तरह जो है वो तमाम तरह सबूत लेकर आएंगे और सारे टैक्स के मामला भी सामने आएंगे, एफडीआर के मामला भी सामने आएंगे और जरा आमदनी भी बतानी ही बतानी पड़ेगी। और शाहनवाज धानी की जानिब से भी आज एक पिक्चर पोस्ट की गई है नसीम शाह के साथ, वो कह रहे हैं जो ये लोग कहते हैं ना कि ये काम हो नहीं सकता तो उन्हें इंटरप्ट ना करें जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं, किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में वो बाबर आजम की सपोर्ट में उनसे बयान दिलवाया, क्योंकि अभी आपको पता है कि सिम कार्ड खेला जाएगा, क्योंकि अभी तक ये इल्जाम लग रहा था कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है, जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, वो सिंध के प्लेयर को, कराची के प्लेयर को इग्नोर करती है। तो शाहनवाज धानी को एक दफा फिर जिस तरह केक खिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इस एक मरतबा फिर जो है वो शाहनवाज धानी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों का मुंह का जायका बदलने के लिए। पहले भी उन्होंने केक खिला के मुंह का जायका बदला था, अब लोगों की तवज्जो हटाने के लिए फिर शाहनवाज धानी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो असगर आपको क्या लगता है कि शाहनवाज धानी अगर दोबारा टीम में आएंगे तो वो केक ही खिलाएंगे या कुछ परफॉर्मेंस भी देंगे? देखिए ये सवाल तो पीसीबी के उन तमाम अहदेदारों से बशमूल उन तीनों चेयरमैन से जो बदले गए, इन सब से बनता है कि शाहनवाज धानी का कसूर क्या, शाहनवाज धानी को बाहर क्यों बिठाया जाता है, शाहनवाज धानी जब टीम के साथ होते हैं तो बेंच पे क्यों होते हैं और सिर्फ केक तक ही उनको क्यों महदूद रखा जाता है? आखिर आप जो है पूरा पाकिस्तान के जितने भी अहदेदार क्रिकेटर्स हैं वो इस बात का जवाब दें, सबके लिए कॉमन सवाल है ये कि शाहनवाज धानी का कसूर क्या है? अगर कोई लड़का एक दो मैचों में फ्लॉप हो जाए तो क्या उसको हम फरामोश कर दें, उसको हम घर बिठा दें? अगर यही बात है तो फिर मुझे बताएं कि क्या शाहीन शाह आफरीदी फ्लॉप नहीं हुए? क्या शाहीन शाह आफरीदी की वजह से हम लास्ट T20 वर्ल्ड कप नहीं हारे थे? क्या हम जो है वहां रियाज फ्लॉप नहीं हुए? क्या हमारे दूसरे इतने सारे नामी गिरामी बॉलर्स हैं और बैट्समैन हैं? क्या ये तो शादाब खान है जिसको अजहर महमूद कहते हैं कि हमारा मुकम्मल पैकेज है? मेरे को तो लगता है ये वही पैकेज है, मुझे तो लगता है ये वही पैकेज है जो जो बाबर आजम के पास जैसा बैलेंस बहुत है ना, वो कहते हैं मेरे पास बैलेंस बहुत है, तो भाई यही बहुत बैलेंस उनके पास है जो शादाब की सूरत में। तो अगर एक दो मैच की बैड परफॉर्मेंस पे ड्रॉ भी करना होता है तो शादाब को करें ना, छोड़े बैलेंस को, छोड़े पैकेज को,
अगर कोई हकीकत की बात करें, सच की बात करें, शाहनवाज धानी का राइट बनता है कि वो कंटिन्यू टीम में हो। हाँ, अगर कंटिन्यू हो, चार पांच छह मैच एक साथ मिल जाए और वो परफॉर्म ना करें तो भाई हम भी नहीं बोलेंगे उन्हें खिलाओ। ठीक है, लेकिन असर आपको याद होगा कि वहाब रियाज ने एक प्रेसर की थी और उसमें कहा था कि शाहनवाज धानी ट्रेनिंग से भागते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं करते हैं। आजम खान ने तो इतनी ट्रेनिंग की कि हंस हंस के हम पागल हो गए। जवाब दूं मैं, लेकिन शाहनवाज के बारे में तो वो कह चुके हैं ना कि वो सीरियस नहीं है, वो ट्रेनिंग ही नहीं करते। शाहनवाज धानी जिस गांव से ताल्लुक है उस गांव में उसने क्रिकेट नंगे पैर खेली है, उस गांव में उसने जब प्रैक्टिस जो है वो बगैर किसी सहूलत के की है, तो वहाब रियाज साहब वो ट्रेनिंग से कैसे भाग सकता है? जो शख्स बगैर किसी सहूलत के अपने आप को फिट रख सकता है वो आपके जिम में आके क्या भाग जाएगा? पहला मैच कैसे खेला था, क्या आप भूल गए? क्या आप पे क्या इल्जाम लगा था पहला मैच खेलने पे कि मैच फीस ली नहीं, मैच फीस दे के खेल रहे? याद है आपको? याद दिलाओ पूरी बातें आपको। किसने कहा था? वहाब रियाज ने कहा था ये। वहाब रियाज ने जब पहला मैच खेला था, अच्छा, तो जब उनका डेब्यू हुआ था तो उस वक्त ये बात बिल्कुल उन पर इल्जाम लगा था कि वहाब रियाज चूंकि बैकग्राउंड उनका बड़ा अच्छा माशी तौर पे और वो उनको चांस नहीं मिल रहा था, तो ये बात सामने आई थी कि वहाब रियाज ने मैच खेला है। इल्जाम साबित हुआ था, ये उन पर इल्जाम लगा था, बट ये इल्जाम साबित नहीं हो सका और इस पे किसी ने दोबारा बात भी नहीं की क्योंकि वहाब रियाज का जो बैकग्राउंड है वो सबको कंट्रोल कर रहा था और फिर दीगर बात। अच्छा अली भाई, क्विकली मुझे जाना है ब्रेक पे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। वहाब रियाज का जिक्र हो रहा है तो सुनने में ये आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी में रद्दोबदल का इम्कान है और वहाब रियाज को मजीद भी अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां दी सकती हैं। ये वो मुल्क है कि जो जितना ज्यादा नुकसान इस मुल्क का करता है वो इतना ही हमारी सलाखों पर होता है। अभी आप बात कर रहे हैं धानी की, बात रह गई कि जो सिंध के प्लेयर हैं, थोड़ी सी मैं इस हवाले से बात करूंगा। धानी को आपने रखा हुआ है केक पे खिलाने के लिए और अबरार को आपने मुसलसल बेंच पर रखा हुआ है, टीम के साथ रखा हुआ है चाय बनाने के लिए। वो उसकी पीसीबी वीडियो डाल रहा होता है कि वो बहुत अच्छी चाय बनाता है, खिलाड़ी जो जाके चाय पीते हैं। तो सिंध के प्लेयर केक खिलाने के लिए और चाय बनाने के लिए रह गए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो ये पीसीबी को जरूर बताना चाहिए कि भाई ये सिंध के प्लेयर जो है उनका सिर्फ क्या क्रिकेट में यही काम रह गया है। और दूसरे यानी वहाब रियाज की आप बात करेंगे तो वहाब रियाज जिस पोस्ट के ऊपर है, जितने उनके फैमिली कनेक्शन है, जब उनका डेब्यू हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है ग्रैंड पार्टी दी गई थी, तो शाहनवाज धानी के तो जो वालिद साहब है उन्होंने कोई ग्रैंड पार्टी नहीं दी। शाहनवाज धानी जो अपनी परफॉर्मेंस पर आके खेला है, अपने जिस तरह अजगर बता रहे नंगे पांव आके खेला है, ये सिंध के शहजादे एक टूर्नामेंट हुआ था, राशिद लतीफ ने किया था, नैन अजमाबाद में मेन एंकर था, मैंने देखा कि किस तरह से उसने मेहनत की, वहां से वो निकलकर सामने आया। मैंने एक एक बॉल उस टूर्नामेंट की मैंने देखी जिससे वो उसका नाम कराची किंग तक पहुंचा और फिर उसके बाद उसका नाम जो है वो सिंध की ग्रेड टू की टीम तक आया। तो ऐसे किसी को नहीं कह सकते, जिसको खिलाना है आपने खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसके लिए आप 10 बहाने लगा सकते हैं। तो शाहनवाज धानी भी सिम कार्ड का शिकार हुए अली सलमान? जी बिल्कुल शिकार हुए। इसके अलावा बताएं ना, ये असद शफीक जैसे सिलेक्शन कमेटी में है, ये SNDPL के कैप्टन थे, फाइनल में उसने बॉलिंग अच्छी की, प्रेसिडेंट कप में पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग की। असद शफीक जो है वो कराची के कप्तान थे, वहां पे वो फाइनल में मैन ऑफ द मैच है शाहनवाज धानी, तो क्या जवाब है उनको टीम में ना रहने का? ठीक है, जब वो इनिशियली आए थे तो बड़ा एंथुसियास्टिकली खेलते हुए हमें नजर आते थे, लेकिन उसके बाद सडनली उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसका ग्राफ नीचे जाता रहा है। तो इस पे भी हम डिस्कशन के साथ आगे बढ़ाएंगे और जाहिर है आज भी एक बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और रोहित शर्मा से मुतालिक भी इंडियन मीडिया जो है वो चीखता हुआ नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये भी बोझ बन गए हैं। सिमिलरली अगर बाबर को हम देखें तो उनसे मुतालिक भी यहाँ पर यही बातें हो रही हैं। तो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे right after this break. वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024 है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत सामना करने जा रहा है बांग्लादेश का और दोनों के स्टैट्स के बारे में मैं बात करूं तो दोनों ने ही 13 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें भारत को क्लियरली एज हासिल है। 12 उन्होंने मैचेस जीते हैं और सिर्फ एक मैच बांग्लादेश जीत पाया है। तो असगर अजीम मेरे साथ मौजूद हैं। असगर, आज के इस मैच को कैसे देख रहे हैं, क्या ये ईजी विन होगा भारत के लिए?
देखिए भारत के लिए ईजी तो नहीं होगा, स्ट्रगल तो करना ही होगा, क्योंकि बांग्लादेश के बारे में जब ये टीम आ रही थी तो उस वक्त तो यही तस्वूर था कि ये इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन फाइनल एट में पहुंचने के बाद उसने ये दिखाया कि वो जो कैसराइयाँ थीं वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि हमारी टीम बिल्कुल ख़त्म हो गई है या हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार हैं। और अब चूँकि भारत के अगेंस्ट मैच है, लेकिन रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बांग्लादेश का एक मैच जीता है, लेकिन वो एक मैच भी उनके लिए जीतना भारत के अगेंस्ट बहुत बड़ी बात है। और अब 12 मैचों की सबकत है, ये तो आप देख लें कि भारत की टीम जिस तरीके से इस वक्त खेल रही है तो भारत को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जीत अच्छा। भारत की होगी और भारत इस मैच को निकालेगा बड़े आराम से, इतना कोई प्रॉब्लम खास नहीं होगी, थोड़ी बहुत उनको मजम्मत होगी। अच्छा असगर, इसके साथ एक फैक्ट भी है, वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि जो मैचेस इंडिया हारा है खासकर T20 में बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें रोहित शर्मा कैप्टन थे, और जो ODI मैचेस लूज किए हैं भारत ने बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसमें राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। तो कैप्टन और कोच बांग्लादेश के अगेंस्ट दोनों ही हार का मजा चख चुके हैं। देखिए ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो रिकॉर्ड है, जाहिर है एक बंदा जब एक दिन टीम प्लेयर होता है या कैप्टन होता है तो कभी वो कोच भी बन जाता है, ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन राहुल द्रविड़ का जो किरदार है इंडियन क्रिकेट में, दौरे हाजिर में उससे ज़्यादा इंडियन क्रिकेट को इस्टेब्लिश करने में किसी का किरदार नज़र नहीं आता। राहुल द्रविड़ को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इंडियन क्रिकेट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंडियन क्रिकेट को एक ऐसा बैकअप दिया कि जिसके बाद एक के बाद एक खिलाड़ी जो है वो उनको मिल रहा है। हार जीत कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया का हारना बांग्लादेश के अगेंस्ट ये इंडिया के लिए बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाए बांग्लादेश से, वो एक अपसेट भी हो सकता है, लेकिन आज के मैच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रोहित शर्मा का जो किरदार है वो थोड़ा सा मैं यहाँ इसलिए डिस्कस करूँगा कि रोहित अब तक वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी तवक्का की जा रही थी, और ख़ासकर जो लास्ट मैच में मैंने बात की थी कि रोहित जो है वो बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं लग रहा कि वो इतने एक्टिव हैं या उनका माइंडसेट बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा दबाव में है, उनको उस दबाव से निकलने की ज़रूरत है, उस दबाव से निकलेंगे ही तो टीम की सही क़यादत कर सकेंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनका बल्ला जो है वो रन उगले। बिल्कुल ऐसा ही। अली सलमान, इस स्टैट्स पर आपका क्या मौकफ है, और रोहित शर्मा मुसलसल एक ही तरीके से आउट होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर ही उन्हें आउट कर रहा है। मैच में जो है वो सूरज की और बादलों की जो है वो आंख मचोली रहेगी, बारिश की भी जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के बारिश होगी, लेकिन अगर ये क्लाउडी वेदर रहा तो ये मैच जो है वो, अगर इंडिया इस मैच को हारता है तो इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा हारने की सूरत में भी, और अगर बारिश हो जाती है तो उस सूरत में भी एक एक पॉइंट हो जाएगा। और इसका जो खमियाजा है वो ये होगा कि फिर इंडिया जो है वो इस ग्रुप में जो है वो टेबल टॉपर नहीं होगा, टेबल पे टॉप नहीं करेगा, इसके साथ साथ अगर टेबल पे टॉप नहीं करेगा तो फिर उसको गयाना में जाके सेमीफाइनल खेलना होगा, और वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर वहां भी बारिश हो जाती है तो बारिश नहीं बल्कि थंडर स्टॉर्म का खदशा है। जी हाँ, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, अगर गयाना में सेमीफाइनल में होती है तो ये दो सेमीफाइनल से एक सेमीफाइनल जो गयाना वाला है उसके अंदर इन्होंने कोई रिजर्व डे रखा ही नहीं है, तो ICC खुद अपने जो टूर्नामेंट को जो है वो स्पॉइल करने के लिए तैयार है। और अगर इंडिया अगर बारिश की वजह से सेमीफाइनल से बाहर होता है या बारिश की वजह से आज के मैच में उसका एक पॉइंट जाया होता है तो आप देखेंगे ICC पे कितनी ज्यादा तनकीद होगी, क्योंकि BCCI इस वक्त ICC को चला रहा है, और इसका अगर इससे पुअर प्लानिंग का पुअर स्केड्यूलिंग का अगर खमियाजा भुगतना पड़ता है टीम इंडिया को तो ICC बहुत ज्यादा तनकीद की जद में आएगा। रोहित शर्मा पे अननेसेसरी दबाव मैं समझता हूँ सिर्फ इसीलिए है कि उनके साथ विराट को इनिंग का आगाज करने भेज रहे हैं, अगर विराट को नंबर 3 पे भेजेंगे तो रोहित शर्मा को खुल के खेलने का मौका मिलेगा। अली सलमान, लेकिन इंडियन मीडिया कह रहा है कि रोहित शर्मा टीम पर बोझ बन गए हैं। देखिए इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा पाकिस्तानी मीडिया के वाले से कहा जाता है, लेकिन इंडियन मीडिया थोड़ा सा हार्श हो जाता है अपने प्लेयर पे, टीम जीत रही है परफॉर्मेंस दे रही है, एक लम्हे को सोचे अगर हमारा बाबर आजम अगर टीम इंडिया का कप्तान होता तो फिर क्या होता, क्योंकि हम तो फिर भी जो है वो हल्का हाथ रखते हैं तनकीद भरा तनकीद नहीं, लेकिन अली भाई इंडियन मीडिया भी तो वही कर रहा है ना जो पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है बाबर आजम के साथ। सर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा जो इंडियन मीडिया रोहित के साथ कर रहा है, उसने टीम खड़ी कर दी, टीम उसकी जीत रही है 120 रन, वो टीम जितवा रहा है अपने रिवायती हरीफ के सामने, फिर भी उसको जो है वो इंडियन मीडिया उड़ा रहा है। यहाँ पे 6 रन से पाकिस्तान की टीम मैच आ जाती है उसके बावजूद भी लोग टीवी पर बैठ बैठ के बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हैं, तो हमारा मीडिया फिर भी जो है वो होला हाथ रखा हुआ है। अच्छा अली भाई, ये सुनील गावस्कर से ना एक सवाल हुआ था कि क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे आप रोहित शर्मा को, तो उन्होंने कहा मैं क्या मशवरा दूं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों मना कर दिया मशवरा देने से रोहित शर्मा को? किसने मना कर दिया? सुनील गावस्कर ने।
देखिए सुनील गावस्कर ने इसलिए मना कर दिया, टीम वहां पे खेल रही है। अब ड्यूरिंग द मैच हमारी तरह के लोग नहीं है कि हमारे जो कमेंटेटर कमेंट्री करने जाते हैं वो बाउंड्री के बाहर खड़े होकर मशवरे दे रहे होते हैं, जो कोचिज है वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको याद होगा कि इंजमाम वहां पे पहुंच गए थे, मिकी आर्थर वहां पे नाराज हो गए थे, जो कमेंट्री करने हमारे रमीज राजा, वसीम अगर वकार जाते हैं, ये अपनी कोचिंग क्लासेस लगा देते हैं मैच से पहले और प्लेयर को समझा रहे होते हैं। मेरे ही शो में बैठ के मोहसिन खान ने कहा था कि मैंने अपने लड़कों को मशवरा दिया था कि इन कॉमेंटेटर से दूर रहना, इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनना। तो ये जाके जो मशवरे देते हैं ना ये ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ये ज्यादा मसाइल पैदा करते हैं। ठीक है, असकर आपका क्या पॉइंट है इस पे? देखिए अली सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमेंटेटर को अपना काम करना चाहिए और प्लेयर्स को मैं मुदाखलत नहीं करना चाहिए, ना इनको कोई मशवरा देना चाहिए, क्योंकि ये काम टीम मैनेजमेंट का है, कप्तान का है और टीम, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा पे दबाव जरूर है परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन अगर अली के मशवरे पे अमल करें और इम्पोर्टेंट मैचेस हो तो इस तरह के तजिये और तबसरे नहीं करने चाहिए। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ये प्रोग्राम भी अपने अख्तिताम को पहुंचता है। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।